देन कम्स स्लीप. आपको अपनी नींद पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि आपने इबादत भी करनी है, आप तरावी के लिए भी लेट जाग रहे हो, आपने सहरी के लिए भी उठना है. देन अगेन कुछ लोग सहरी के बाद सोते हैं, सहरी से पहले नहीं सोते. देन अगेन आपने अपनी वर्क प्लेस पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी स्लीप रूटीन में. आपने क्या करना है कि आप एक अपना स्केड्यूल बना लें कि नींद के कितने घंटे आपने सहरी से पहले लेने हैं और नींद के कितने घंटे आपने सहरी के बाद लेने हैं. जब आप ये चीज़ें स्केड्यूल कर लेंगे तो आपका दिमाग पहले से इस चीज़ के लिए तैयार होगा कि आपने कितनी नींद पूरी करनी है. एक और चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं, अपना एक इबादत जर्नल बना लें कि आपने अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं. बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पता नहीं इतनी बार कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेंगे या ये वाली सूरतें हिफ्ज़ कर लेंगे. ज़रूर स्केड्यूल बनाएं लेकिन एक रियलिस्टिक स्केड्यूल. आहिस्ता आहिस्ता आप उन प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं रमज़ान के दूसरे और तीसरे अशरे में ताकि आपके दिमाग पर भी ज़्यादा बोझ ना आए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी सर्विसेज मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में दे रही हूँ. आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान और मेंटल हेल्थ पे. यूजुअली रमज़ान में हमें बहुत सारा टाइम मिलता है कि हम अल्लाह ताला के साथ रिकनेक्ट कर सकें, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस कर सकें. इसके लिए हमें रमज़ान का एक ट्रू एसेंस समझने की ज़रूरत है. रमज़ान ना सिर्फ हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है बल्कि हमारे सोल और हमारे नफ्स को भी प्योरीफाई करता है. ये एक तज़किया नफ्स का टाइम होता है कि हम अपना तज़किया करके अपनी सोल को प्योरीफाई करें, ज़िंदगी में बेहतरी और पॉजिटिविटी की तरफ आएँ. तो इसके लिए सबसे पहले गलत तासुर बनाया हुआ है लोगों ने कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, यानी कि ऐसा इंसान जिसका अल्लाह ताला से बहुत मजबूत ताल्लुक है, तो वो डिप्रेस फील नहीं कर सकता. ये एक बहुत गलत तासुर है. एक ऐसा इंसान जिसका अल्लाह से बहुत मजबूत ताल्लुक है और वो इबादत में भी है और उसको लगता है कि वो दीन पे तवज्जो देता है, तो वो भी डिप्रेस फील कर सकता है क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें उसको समझ नहीं आ रही होती कि उस मसलों से डील कैसे करना है, अल्लाह पे यकीन और अपने फेथ पे काम कैसे करना है. तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे वो साइकोलॉजिस्ट या स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन बुक करवा सकता है. अब रमज़ान में जैसा कि हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है, स्टार्ट में हम ज़्यादा भूख और प्यास महसूस करते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी बॉडी एक क्लींजिंग के प्रोसेस में आती है, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा होता है क्लींजिंग के लिए, उस टाइम पे इन द मिड रमज़ान हम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, हमारी कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी और बढ़ जाती है. इसी तरह हमें अपनी सोल पे भी काम करना चाहिए. इन द स्टार्ट ऑफ रमज़ान हम अपनी इबादत जब शुरू करते हैं तो थोड़े से टायरिंग हो जाते हैं, बट जब दूसरा अरसा स्टार्ट होता है तो हम इस्तग़फ़ार की तरफ आते हैं, हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि हमारे गुनाहों की माफ़ी हो. ये वो टाइम है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं. इस टाइम पे हमें रिग्रेट की तरफ नहीं जाना बल्कि फॉरगिवनेस की तरफ जाके अल्लाह ताला से उन गुनाहों की माफ़ी मांग के एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है. और फिर जो आखिरी प्रोसेस होता है यानी कि थर्ड अशरे का, उसके अंदर हम अल्लाह ताला से उनकी नेमत यानी कि जन्नत की तलब कर रहे होते हैं कि हमारे गुनाहों की माफ़ी होनी चाहिए और हमें दोजख से बचा के जन्नत की तरफ लेके जाएं. तो इसमें ये चीज़ होती है कि जिस तरह से हमारी बॉडी प्योरीफाई हो रही है उसी तरह से हमने फोकस करना है कि हम अपनी इबादत, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने फेथ पे काम करके किस तरह से अपनी सोल को प्योरीफाई कर सकते हैं. जिस तरह हमें रोज़े में भूखा और प्यासा रहना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और हम अपनी सोल को प्योरीफाई करते हैं इबादत के ज़रिए, तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ बेहतरी की तरफ जाती है रमज़ान में, हम इसको ओवर द ईयर अपनी लाइफ में किस तरह से शामिल कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में ज़िंदगी गुजार सकते हैं. जैसा कि रमज़ान में हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, हमें अपनी भूख प्यास को रोक के एक सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करना होता है, तो ये चीज़ हमें ड्यूरिंग द होल ईयर प्रैक्टिस करनी है. यानी कि हमारे ऊपर अगर कोई मुश्किल आती है या हमें ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी होती है जिसके अंदर हमें सेल्फ कंट्रोल रखना है, तो हमें वो ओवर द ईयर प्रैक्टिस करना है. देन अगेन हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाता है रमज़ान, कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है या ऐसी वो सिचुएशन जिसमें हमें लग रहा होता है कि कहीं हम एग्रेसिव ना हो जाएं, हम आर्ग्यूमेंट्स ना करने लग जाएं, तो हम ऐसी सिचुएशन में अपना गुस्सा रोकते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, तो ये हमें ओवर द ईयर भी प्रैक्टिस करना है. देन अगेन जब हमारे पास सारी नेमतें होती हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बट ये सोच के कि ये काम रमज़ान में रोज़े की हालत में ममनू हैं, हम वो काम नहीं करते. और हमें उस टाइम पे ये अंदाज़ा होता है कि हमें कितनी नेमतें मिली हैं. इस ग्रैटिट्यूड को, इस शुक्रगुजारी को हमने ओवर द ईयर प्रैक्टिस करना है.
इससे ये होता है कि ज़िंदगी में हम जब भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचते हैं, यानी कि हम ये सोचते हैं हमारे पास ये नेमत नहीं है या ये नेमत नहीं है, तो शुक्रगुजारी हमें ये चीज़ सिखाती है कि हमने अपने पास मौजूद चीज़ों पर शुक्र कैसे करना है और वो चीज़ें जो हमारे पास नहीं हैं उनके बारे में नाशुक्री नहीं करनी। जब हमें ये एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला ने हमें सब नेमतें दी हैं और हम रोज़े की हालत में उन नेमतों को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे अपने सेल्फ कंट्रोल को फोकस करते हुए, तो ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, एक पुरसकून फीलिंग लेके आता है कि हमें अल्लाह ताला ने काफ़ी नेमतें दी हुई हैं। उसके अलावा हमें ये फोकस करना चाहिए कि रमज़ान में हम फॉरगिवनेस को कैसे प्रैक्टिस करें और ओवर द ईयर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की गलतियों को कैसे माफ़ करें और अपने दिल में ग्रजेस ना रखें। ये सारी चीज़ें जब हम रमज़ान के अलावा भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी। अगर बात की जाए कि ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हम रमज़ान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर कर सकते हैं और वही रूटीन हम ओवर द ईयर प्रैक्टिस करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल यूजेज, आपको अपना मोबाइल यूजेज रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आपको एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना होगा कि दिन का ये आधा घंटा हम अपना फ़ोन स्क्रॉल कर लें और रात का ये आधा घंटा हम फ़ोन यूजेज में लगा सकते हैं। यूजली ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूजेज करते हैं तो फिर हम अपनी इबादत पे फोकस नहीं कर पाते और रमज़ान का जो ट्रू एसेंस है उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। देन कम्स स्लीप, आपको अपनी नींद पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि आपने इबादत भी करनी है, आप तरावी के लिए भी लेट जाग रहे हो, आपने सहरी के लिए भी उठना है। देन अगेन कुछ लोग सहरी के बाद सोते हैं, सहरी से पहले नहीं सोते। देन अगेन आपने अपनी वर्क प्लेस पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी स्लीप रूटीन में। आपने क्या करना है कि आप एक अपना स्केड्यूल बना लें कि नींद के कितने घंटे आपने सहरी से पहले लेने हैं और नींद के कितने घंटे आपने सहरी के बाद लेने हैं। जब आप ये चीज़ें स्केड्यूल कर लेंगे तो आपका दिमाग पहले से इस चीज़ के लिए तैयार होगा कि आपने कितनी नींद पूरी करनी है। एक और चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं, अपना एक इबादत जर्नल बना लें कि आपने अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पता नहीं इतनी बार कुरान पाक हिफ्स कर लेंगे या ये वाली सूरतें हिफ्स कर लेंगे। ज़रूर स्केड्यूल बनाएं लेकिन एक रियलिस्टिक स्केड्यूल। आहिस्ता आहिस्ता आप उन प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं रमज़ान के दूसरे और तीसरे हिस्से में ताकि आपके दिमाग पे भी ज़्यादा बोझ ना आए। रमज़ान में यूजली हर एक की कोशिश होती है कि वो सारे गैर ज़रूरी काम जो आप डिले कर सकते हो आप उनको डिले करो ताकि आपका टाइम स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा ऐसे वो सारे लोग जो ज़िंदगी में किसी भी इमोशनल ट्रॉमा या किसी हादसे को भूलना चाहते हैं और वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए ये टाइम बहुत गोल्डन पीरियड टाइम साबित हो सकता है कि आप इस टाइम को एज अ रेजोल्यूशन लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अल्लाह ताला से रिकनेक्ट करें और पिछली ज़िंदगी को भुलाने की कोशिश करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने रमज़ान में नहीं करनी। आप अपनी इबादत को और अपनी मेंटल हेल्थ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपनी इबादत के ऊपर बहुत ज़्यादा